गया तो बहुत सारों का रवैया ये रहा कि अपने रिलेशन्स में भी बहुत सारों ने बात भी नहीं करा, मतलब बात करना छोड़ दिया। और लोगों के कमेंट्स आते थे रास्ता में, मतलब जब भी या फेसबुक पे हमारा कोई अपलोड होता था वीडियो, कोई मतलब मीडिया थ्रो होता था, तो ऐसे कमेंट्स आते थे कि मतलब उससे मैं बहुत बहुत डिमोटिव हो जाती थी। एंड कभी कभार मैंने चाहा था कि मैं पीछे हटूँ इस फील्ड से, कि मतलब ऐसे लोग सोचते मेरे बारे में, बट मुझे नहीं पता था कि उनसे ये मतलब बर्दाश्त नहीं होता कि फीमेल्स आगे क्यों जा रही है हमारे इस फील्ड में। ड्यू टू दैट एंड इवन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हमारी मतलब जान पहचान में जो कहते हैं कि इसने हमें शर्मिंदा किया इस काम से। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माई व्यूअर्स, मेरा नाम आलिया फ़ारूक है, मैं फिटनेस सॉल्यूशन जिम की ऑनर और ट्रेनर हूँ। तो मैं खानियार से ही रहती हूँ, खानियार में मेरी शादी भी हुई है, सो आई बिलोंग फ्रॉम दिस प्लेस। और मेरा ये जिम जो है, जिम का मेरा जो दौर स्टार्ट रहा है कि ये मेरी शादी के बाद रहा है। तो मेरी एजुकेशन जो है वो मेरी यहाँ से कोठीबाग से हुई है, फिर उसके बाद वुमेंस कॉलेज, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद शादी के बाद जब मेरे बच्चे हुए तो बच्चों के बाद मेरी हेल्थ जो है वो बहुत अनवल रही, तो ड्यू टू दैट मैंने जिम ज्वाइन किया बाहर। तो वहाँ मैंने वेट लॉस बहुत अच्छे से किया। तो हमारा यहाँ ऑलरेडी जिम चल रहा था, दैट वाज ओनली फॉर मेल्स। तो मेरे हस्बैंड मेरे बूस्ट लेने लगे कि आप वर्कआउट कंटिन्यू रखो ताकि आपकी जो हेल्थ है, ये इश्यूज जो रहे थे आपको हेल्थ के तो वो ख़त्म हो गए, लेकिन ये वापस आ जाएंगे अगर आप डिसकंटिन्यू करेंगे अपना वर्कआउट। तो हमने हमारा ओनली फॉर फीमेल भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो अभी चालू नहीं किया था। तो मैं वहाँ जिम करने गई तो वहाँ कुछ लड़कियाँ थी जो एक्सरसाइज कर रही थी खुद से, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं हम आपके साथ वर्कआउट करेंगे, आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस की, हमें भी आप ही, क्योंकि हमें मेल ट्रेनर है यहाँ पे, वो हमें अच्छे से कुछ करवा नहीं रहा है और हम कम्फर्टेबल फील नहीं कर रहे उसके साथ। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड ने मुझे बोला नहीं आप करो, अगर आपको लगता है कि नहीं आप करो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गई जेके बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, तो मैंने उनसे बोला कि ऐसे बात है मैं ऐसे कर सकती हूँ। उन्होंने बोला हाँ अगर आपको परफेक्शन है, अगर आप ये सब अच्छे से कर पा रहे हो तो यू कैन, तो बट स्टिल आपको पढ़ना है कुछ हमारे मतलब यहाँ पे, आप आ जाओ हमारे पास, हम आपको थोड़ा बहुत सिखाएंगे कि कैसे क्या, ट्रेनिंग्स आप ले लो, सर्टिफिकेट्स ले लो, तो उसके बाद आप कंटिन्यू करो। तो उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ी हेल्प की उसमें, इश्ताक साहब ने, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की इसमें। तो उन्होंने मुझे सिखाया कैसे क्या, कौन से एक्सरसाइज किस पार्ट पे है, कैसे क्या, तो उनके पास मैंने ट्रेनिंग्स ली। उसके बाद जब मैं गई तो मैं वापस दिल्ली गई, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग्स ली, वहाँ से मैंने सर्टिफिकेट्स ली। तो वहाँ पर भी मैं हर साल जाती हूँ और वहाँ पर देखती हूँ कि वहाँ क्या नया है, मतलब कौन एक्सरसाइज हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन डाइट हमारे लिए, किस पेशेंट के लिए कौन सा डाइट, तो वो भी मैंने कोर्स किया। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो हमारा रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा रखा, क्योंकि जब ट्रेनिंग्स अच्छे से आती है तो रिजल्ट्स बाखूबी अच्छा आता है। तो हमें बहुत सारे रिकॉर्डमेंट्स आती है और हमें मतलब वैली के हर एक पार्ट से फीमेल्स आती है जो जिम जाते थे लेकिन जिम में ऐसा रिजल्ट नहीं देखते थे जितना हमारा आ रहा है। तो डे टू डे एक्सपीरियंस भी बढ़ती है फिर, तो आज मेरा 8 साल हो गए लगभग इस फील्ड में। तो इसमें मेरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड है, तो उन्होंने मुझे इसमें बहुत आगे, टफ हो गया तो बहुत सारों का रवैया ये रहा कि अपने रिलेशन्स में भी बहुत सारों ने बात भी नहीं करा, मतलब बात करना छोड़ दिया। और लोगों के कमेंट्स आते थे रास्ता में, मतलब जब भी या फेसबुक पे हमारा कोई अपलोड होता था वीडियो, कोई मतलब मीडिया थ्रो होता था, तो ऐसे कमेंट्स आते थे कि मतलब उससे मैं बहुत बहुत डिमोटिव हो जाती थी। एंड कभी कभार मैंने चाहा था कि मैं पीछे हटूँ इस फील्ड से, कि मतलब ऐसे लोग सोचते हैं मेरे बारे में, बट मुझे नहीं पता था कि उनसे ये मतलब बर्दाश्त नहीं होता कि फीमेल्स आगे क्यों जा रही है हमारे फील्ड में। ड्यू टू दैट एंड इवन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हमारी मतलब जान पहचान में जो कहते हैं कि इसने हमें शर्मिंदा किया इस काम से, तो ये हमें शर्मिंदा, लेकिन वो नहीं देखते कि हमारी फीमेल्स को जितनी प्रॉब्लम्स थी वो अभी डॉक्टर्स भी उनको रिकवर नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम जो उनको वर्कआउट से हो रही है, क्योंकि अब लोगों में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एजुकेटेड हमारी फीमेल्स है बहुत ज़्यादा, तो उनको पता है कि हमें वर्कआउट से कितना असर हो रहा है और दवाइयों से कितने डिसएडवांटेज हो रहे हैं उन प्रॉब्लम में जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो उनको मैंने इन चीज़ों में और वो बहुत अप्रिशिएट करती है, अगर आप ये इनिशिएटिव नहीं उठाते यहाँ पे कश्मीर में तो हम कहाँ जाते। और ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इसने अच्छा नहीं किया, अभी भी स्टिल 8 साल के बाद भी मुझे ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं अपनी फैमिली से भी कि ऐसा नहीं करना था इसको। हस्बैंड ने मुझे कहा कि बस इनको कहना है ये कहेंगे,
आप इनके कहने पर खुद को ना रोको, क्यों क्यों हम, और मैंने खुद भी ये डिसाइड किया कि मैं इनके कहने पे क्यों रुकूं। अगर मैंने ऐसा किया कि ये सोचेंगे कि हम इनको आगे नहीं जाने देते, क्योंकि हम बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहे जहाँ पे लड़कियों को डोमिनेट किया जाता है कि नहीं आपको ये नहीं करना तो नहीं करना, एंड हमारे यहाँ पे फीमेल्स ऐसी है वो जल्दी हो जाती है कि नहीं मुझे नहीं करना है, लोगों ने कहा मुझे नहीं करना है, बट हमें देखना है कि हम अच्छा करें, इसमें कोई बुराई है नहीं, इस काम में कोई बुरा है नहीं कि हम कहेंगे कि कुछ बुरा कर रहे हैं। तो बट सोसाइटी जो हमारी है वो बहुत अभी भी नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं मुझे इस फील्ड में। हमारी सोसाइटी की लेडीज़ है वो यही कहती है कि हम जिम्स तो बहुत सारे यहाँ गए, जिम्स यहाँ बहुत सारे ओनली फॉर फीमेल्स अब खुले हैं आपके बाद, लेकिन जैसा आपका जो आपकी एक्सपीरियंस है, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वर्कआउट के लिए, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यू आर परफेक्टली ट्रेनर। जब आप हमको देखते हैं, हम आपको देखते हैं एक्सरसाइज करते हैं, हम आपस में ये कहते हैं कि ये दो बच्चों की माँ है एंड स्टिल हाउ मच फ्लेक्सिबल शी इज़, और हम रहे अनमैरिड लड़के, देखो हम इसके सामने कुछ भी नहीं है एंड देखो इसका वर्कआउट करने का तरीका भी कितना अच्छा है। तो उससे मोटिवेशन उनको मिलता है बिकॉज वो बहुत सारे जिम्स में गए होते हैं, बट वो कहता है कि जितना आप हार्डवर्क हम पे करते हो, क्योंकि मैं इसलिए हार्डवर्क करती हूँ क्योंकि मुझे पता है एक फीमेल को जिम के लिए टाइम निकालना, फैमिली से परमिशन लेना इज टू हैक्टिक इन आवर कश्मीर स्पेशली। पहले सबसे पहले एक लड़की को अपनी पेरेंट्स, अगर वो अनमैरिड है तो उसको अगर कुछ शौक है करने का जस्ट लाइक बिजनेस, और आजकल देखा जाएगा स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचर है, कैरियर है, लेकिन अगर लड़की चाहती है ना मैं कैरियर में ऐसे स्पोर्ट्स कैरियर में जाऊँ, तो पेरेंट्स का पहले आ जाता है कि नहीं इसमें बाहर जाना पड़ेगा। ये एज फॉर की जब मैं स्कूल में थी मुझे तो अलो नहीं करते थे बाहर जाना, मैं ये बताऊंगी कि हमें बोला जाता था कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो मेरे जो शौक थे कि मैं भी बाहर जाऊं खेलने के लिए, मैं स्पोर्ट्स रही हूं स्कूल में भी, मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी, तो हर किसी स्पोर्ट्स में मैं एक्टिविटी लेती थी तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स की वजह से ये रहता था कि वो मुझे अलो नहीं करते थे। लेकिन एज़ कम्पेयर टू माई लाइफ कि मेरी एज से आज बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत फ़र्क आया है कि अब पेरेंट्स अलो करते हैं हमारे फीमेल्स में, क्योंकि एजुकेशन अब एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, मतलब मुझे लगता है कि उनमें बहुत अक्ल है कि नहीं हमारी बेटियों को हमें उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो वो चाहती है। तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हो भी मतलब बाहर निकलते हैं रोज़, लेकिन तब भी उनके माइंड में वही है कि नहीं करना चाहिए फीमेल को ऐसा। मेरा जो ही सक्सेस ज़्यादा ना होगा, हार्डशिप्स बहुत देखनी पड़ी, अभी भी मैं स्टिल बहुत हार्डशिप से फेस कर रही हूँ। मेरा मुश्किल मोमेंट ये रहा कि जब हमारे ये क्राइसिस आ गए ना कश्मीर में आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने जो मशीन्स मेरी ली थी रिसेंटली बहुत सारी, तो मैंने वो कुछ बेसिस पे ली थी, उसको मैंने ये कहा था कि बस मुझे इक्विपमेंट चाहिए ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस तो मैं ये दे दूँगी। लेकिन जो हमारा लॉकडाउन रहा लास्ट ईयर से, अगस्त से हमारा जो लॉकडाउन रहा, तो मैं उसको पे नहीं कर पाई ड्यू टू वट हमारा जिम बंद रहा, तो वो मेरा हार्डशिप रहा इसमें बहुत ज़्यादा, जिसमें मुझे सफ़र करना पड़ा, मैं वो नहीं उसको पे कर पाई ऑन टाइम। मैं अगर देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें तो मतलब बोलने की बात ही नहीं कि जहाँ पे मैं आज से 5 साल जहाँ पे मैं थी, दैट टाइम आई एम फेसिंग टू मच फाइनेंशली एंड मेंटली हेल्थ, स्पेशली माय मेंटल हेल्थ वाज डिस्टर्ब टू मच आफ्टर माय मैरिज। सो वो सबसे पहले मुझे ख़त्म हुआ क्योंकि मैं वो खुद अर्निंग आ गई इस फील्ड में, तो मैं डिपेंडेंट नहीं रही, तो सबसे पहले मेरा वो मेंटल टॉर्चर जो था मेरा वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरा फाइनेंशियल, मेरी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं था, वो मेरा अच्छा होने लगा। तो अगर अब दोनों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मैं दूंगी, मेरा मेंटल हेल्थ जो सबसे ज़्यादा अच्छा रहा। अगर देखा जाएगा कि हमारे कश्मीर में मेल्स भी बिजनेस में और फीमेल्स में बिजनेस में, लेकिन मेल्स का बिजनेस ये रहता है कि उनकी शॉप्स रहती है जो हमेशा बंद रहती है, फीमेल्स फिर भी ऑनलाइन काम करती है, मतलब मैक्सिमम फीमेल्स यहाँ पे जो ऑनलाइन कल्चर चलाती है तो वो उनका चलता ही है। अब अगर हस्बैंड्स का अच्छा बिजनेस ना रन हो तो फीमेल अगर अपना घर चलाए, दो में से एक के रीज़न से घर चलना चाहिए, बोथ आर द ट्रू। आफ्टर मैरिज आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते वो अलग है मैं अलग हूँ, तो घर चलाना है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दो में से एक कमाना चाहिए, घर चलना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड नहीं कमा रहे वो, मतलब या वो बोलेंगे मेरा कमाना वो कमा, मतलब कि जैसे कि उनकी कमाई हो या मेरी वो एक ही है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए मेल्स का बिजनेस जो है ना वो बहुत डाउन ट्रेंड हो रहा है आजकल बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे कश्मीर में हर कोई सोचने बिजनेस को रन करने से या कोई न्यू वेंचर जो ही स्टार्ट करना चाहते हैं वो 100 नहीं 1000 टाइम्स सोचता है बिकॉज ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेज, जहाँ पे हमारे ये रहते हैं कर्फ्यूज रहते हैं, बिना बताए इंटरनेट बंद रहता है, हर कोई बिजनेस आजकल के दौर में जो है वो नेट की वजह से चलता है, लेकिन हमारा नेट मैक्सिमम बंद ही रहता है यहाँ पे कश्मीर में। और
हर कोई इस चीज़ से डरता है कि मैं अगर नया वेंचर कोई खोलूँ शायद मैं लॉस में ना चला जाऊँ, और वो हो भी रहा है। उस वजह से उनका ये हो जाता है, उनका साइकिक मतलब मेंटल पे जो असर पड़ता है बहुत। तो उस वजह से हमारे यहाँ फीमेल हो या मेल हो, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करने से बहुत डरता है। अगर कोई फीमेल कुछ करना चाहती है उसको बूस्ट कर जाए, बट इन अ गुड वे हमारा अच्छा वे होना चाहिए। तो उस तरीके से अगर हम अच्छा बिजनेस रन करना चाह रहे हैं तो हमारी सोसाइटी को कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने चाहिए, तो उनको बूस्ट करना चाहिए। मे बी कल को उन्हीं की बेटी, उन्हीं की बीवी या उन्हीं की बहन इस फील्ड में आ जाए, क्योंकि हमारे कश्मीर में ये अब नहीं रहा कि लड़का है तो लड़का ही करेगा। यहाँ लड़का और लड़की अब इक्वल दो रेस में आ गए हैं।